रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एस एस बी एग्जाम चैनल पर तो मैं ही हूं आपसे बात कर रही एक और नए टॉपिक पर एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अ वन केस एक केस जो कि फाइल किया गया था बाय एपिक गेम्स ऑन अ गूगल तो जानेंगे हर एक डिटेल इस केस के बारे में न्यूज वॉज ऑल रिलेटेड टू द एप स्टोर इकोनमी एक्चुअली जिस केस की हम बात करने चाह रहे हैं दैट इज ऑन अ गूगल स्टोर ऑनली जिसके अंदर हम एप्स देखते हैं so के Games का, uh, जो है एंड अभी हाल ही में एपिक गेम्स इस केस को जीत चुका है गूगल इस केस को हार चुका है सो दिस वॉज अ बेसिकली एंटी ट्रस्ट ट्रायल केस दैट वॉज अगेंस्ट अ गूगल तो सबसे पहले जानते हैं कि ये केस एक्चुअली था क्या तीन so, साल पहले एपिक गेम्स ने केस फाइल किया था गूगल के ऊपर एंड जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि गूगल कुछ ऐसे कंडीशन रख रहा है अपने स्टोर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रेवेन्यू हाई रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एंड सेकेंडली एक जो हेल्दी कंपटीशन है जो हेल्दी कंपटीशन के लिए ताकि बाकी कोई स्टोर इसमें प्ले ना कर पाए तो वो उस चीज को भी खत्म कर रहा है

अगर कंपटीशन ही नहीं होगा विल नॉट बी हैविंग मोर ऑप्शंस फॉर पर्टिकुलर थिंग एक वो जो डेवलपर्स हैं, जो उस पर्टिकुलर एंड्रॉइड सिस्टम को यूज कर रहे हैं उनके लिए भी खराब है एंड जो कंज्यूमर्स हैं, जो परचेज कर रहे हैं उनके लिए भी वो चीज हानिकारक है एपिक गेम्स का कहना था कि गूगल ने इलीगली टाई कर दिया अपनी दो चीजें एक तो जो उनका प्ले स्टोर है उसको उन्होंने डायरेक्टली अप कर दिया है अपनी ही billing services से। ताकि जब आप बिलिंग कराएं तो आपको कोई और ऑप्शन ना मिले लाइक यू हैव टू यूज ओनली जब भी आप बिलिंग करें आप कोई परचेज कर रहे हैं तो ताकि सिर्फ आप गूगल के थ्रू जो ऐप है वो ही आप यूज पाएंगे कोई और ऑप्शन से आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे सो दैट डेवलपर्स वम्पेल्ड टू यूज बोथ नो डाउट जो गूगल प्ले स्टोर है उसके अंदर एक बहुत बड़ा हब माना जाता है फॉर द the... एप्स जिसमें हमें आसानी से बहुत सारी एप्स मिल जाती हैं एंड उनका कहना यह था कि जब भी किसी को अगर कोई ऐप परचेज करनी है तो उनको गूगल का ही पेमेंट ऑप्शन भी यूज करने पड़ते डोंट हैव हैव एनी अदर सो टू देयर इंक्लूडेड सिंस एपिक है क्या किया था कि इस पर्टिकुलर चीज को बाईपास करने के लिए उन्होंने अपनी जो उनकी वीडियो गेम है दैट इज द फोर्थ जो कि बहुत फेमस वीडियो गेम है

अगर बात करें एक्चुअली जो गूगल चार्ज क्या करता है तो वो जो भी डिजिटल परचेज होती है उसमें एक कट रखता है इस टाइम पे जो डेवलपर से गूगल चार्ज कर रहा है दैट इज द थर्टी परसेंट हायर फीस फॉर इन ऐप परचेजेस ऑल दो अगर बात की जाए कि उनका रेवेन्यू क्यों है तो इस इन पर्टिकुलर चीज ऐप से वो बहुत ज्यादा दट इज अ वेरी लिमिटेड बट येस देन ऑल्सो एक हाई मार्जिन बिजनेस है गूगल के लिए ये साथ ही इसमें गूगल का कहना यह था क्या था कि आप जो कह रहे हैं कि हम कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस को हटा रहे हैं हम मोनोपली की तरफ जा रहे हैं सो द पॉइंट इज दे आर कंपीटिंग विद वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड जो एक सबसे ज्यादा यूज किया गया स्टोर है जिसका नाम है एप्पल एप स्टोर तो उनका कहना यही था कि इट वॉज अ कंपीटिंग अगेंस्ट एप्पल एप स्टोर विच इज मोर पॉपुलर इन दू एस एंड कॉन्सिक्वेंटली कैन नॉट ऑपरेट एज अ मोनोपली तो मोनोपली की बात करें ये तो हो ही नहीं सकता रीजन बिंग एपल एक अपने आप में बहुत बड़ा स्टोर है एंड यूएस में सबसे ज्यादा उसी स्टोर को यूज भी किया जाता है अब जो रूलिंग आई सामने जो ज्यूरी का डिसीजन आया उन्होंने भी माना कि येस द गूगल एक्वायर्ड एंड मेंटेन्ड मोनोप ली पावर इन द एंड्रॉइड ऐप डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट एंड उन्होंने जो एपिक गेम्स ने जो क्लेम किया था जो भी सारा उन्होंने गूगल के अगेंस्ट इल्जाम लगाए थे वो सारे उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड दे सेड कि यस आपका जो कहना ही है सही है गूगल मोनॉपली कर रहा है एंड्रॉइड ऐप डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में बेसिकली क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सारा का सारा केस था ही रिलेटेड स्टोर के रिलेटेड इवन इन द बिलिंग मार्केट फॉर डिजिटल गुड्स एंड सर्विस ट्रांजेक्शन तो दो चीजें जो कि एक ऐप के अंदर मोनॉपली परचेजेस के लिए दूसरा जो बिलिंग सर्विसेज वाला था वो भी दोनों ही ने कहा है कि बिल्कुल सही क्लेम्स है अब इसके आगे जो अब ये जो आई है इंप्लीकेशन ये हो सकते हैं एपिक गेम्स जो है उनको एक पर्टिकुलरली सबमिट अ फाइलिंग जिसमें वो बताएंगे कि हाउ दे वांट दिस स्टोर टू बी फिक्स कि कैसे उनकी गेम्स उनके कंपनी के साथ उनका फिक्स रहना चाहिए कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली टारगेट कर सकता है गूगल के डॉलर टेन बिलियन रेवेन्यू रेवेन्यू को जो कि इनको आता है ऐप सेल्स और इन ऐप परचेजेस से साथ ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी आएंगे ताकि जो बिजनेस जो जो बाकी बिजनेस हैं जो कि गूगल से uh, अर्न करते हैं तो बिलिंग जो सर्विसेज वाला है कि उनकी जो एप्स ही यूज कर सकते हैं सो so उसके ऊपर भी कुछ रूल सामने आएंगे जो बाकी राइवल एप स्टोर है उनके लिए भी एक नया पाथ खुल चुका है दे कैन ऑल्सो कंपीट इन दन एंड वन मोर थिंग जो कि डायरेक्टली गूगल को कहा गया दैट इज कि आपको और पेमेंट ऑप्शन भी रखने होंगे इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू यूज ऑनली गूगल ऑप्शन

एन डी ए सी डी एस एफ कैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं